पेनाइल पंप्स या वैक्यूम पंप्स के बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इरेक्शन जो होता है उसका मैकेनिज्म मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। टिश्यू रहते हैं कॉर्पस कैवर्नोजम करके, एक स्पॉन्जी टिश्यू रहता है, पेनिस में रहते हैं, लिंग में रहते हैं, और इसमें ये इसमें के जो मतलब खून की वाहिनी है वो फूल जाती है, मतलब आर्टरीज फूल जाती है। आर्टरीज फूल गई तो खून अंदर घुसता है, जितना ज़्यादा अंदर खून जाएगा उतना ज़्यादा टाइटनेस या कड़कपन आएगा। जब आर्टरीज मतलब आर्टेरियोल्स जब बड़े हो जाते हैं तो खून अंदर आता है। वो जब बड़े होते हैं तब वेंस जो है अंदर पेनिस के अंदर की वेंस वो दब जाती है, जिससे ब्लड वापस नहीं जा सकता। मतलब ऐसी कंडीशन पेनिस में तैयार होती है कि ब्लड तो आ सकता है अंदर मगर ब्लड वापस नहीं जा सकता है। तो वो जो ब्लड ट्रैप्ड हो जाता है वो हो सकता है कि 100 ml हो, 150 ml हो, 200 ml हो, साइज कितना है पेनिस का और कितना टाइटनेस आता है, एक्साइटमेंट कितना है उसके ऊपर है। और फिर वो जो लंबाई आती है वहाँ से फिर एक्साइटमेंट होता है, वीर्य बाहर निकलता है। जैसे ही वीर्य बाहर निकल जाता है तो खून वापस चले जाता है और खून वापस जाके ये सिकुड़ जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये नाइट्रिक ऑक्साइड से कंट्रोल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जो लोगों को प्रॉब्लम है दवाई लेने में तो वो लोग वैक्यूम पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैक्यूम पंप या पेनाइल पंप्स का इस्तेमाल जब करते हैं तो पेनाइल पंप समझो ऐसा पेनिस है उसके ऊपर ऐसा रखा जाता है और वो जो स्पेस तैयार हो जाती है उसमें वैक्यूम तैयार करता है। वैक्यूम तैयार करने से क्या होता है कि वहाँ की जो आर्टेरियोल्स है वो फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और खून को अंदर आने के लिए सुविधा हो जाती है। जो उम्र से ज़्यादा है जिनको ये खून अंदर जाने का प्रॉब्लम है, क्या होता है कि खून की नलियाँ जो है वो मोटी हो जाती है तो खून अंदर घुसता नहीं है और वहाँ से फिर तकलीफ है, इरेक्शन नहीं होता है, कठोरता नहीं आती है। तो जब वयस्क लोगों का एक स्टडी किया जिसमें काफ़ी लोगों को पूछा, 1000+ लोग वो स्टडी में शामिल थे, उन्होंने बताया कि वो जो लोग थे उसमें के 84-90% जो है वो समाधानकारक मतलब सेटिस्फाइड सेक्स कर सकते थे बिकॉज ऑफ पेनाइल पंप, और वो पेनाइल पंप यूज़ कर रहे थे। अब ये देखो कि पेनाइल पंप यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो पेनिस में कठोरता नहीं आती, लिंग में कठोरता नहीं आती है, और लिंग में कठोरता नहीं आती है तो उसका मेन कारण डायबिटीज हो सकता है, शुगर। दूसरा हो सकता है मेनली प्रोस्टेट सर्जरी, जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसकी सर्जरी हो गई तो प्रॉब्लम आ सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एथरोस्क्लेरोसिस है, कुछ भी है, अनेक कारण है कि जिसके वजह से पेनिस में मतलब लिंग में खून नहीं अंदर घुस सकता और वहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू होता है। उनको वायग्रा देते हैं तो वायग्रा से फायदा नहीं होता। कई लोगों में वायग्रा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब देना नहीं है, दे सकते नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में ये पेनाइल पंप या वैक्यूम पंप वापर कर सकते हैं, इसका वापर होता है। इसमें कहाँ वापरना नहीं है बहुत महत्व का है। एक तो प्रायपिज्म हो गया तो पेनाइल पंप वापरना नहीं है, और प्रायपिज्म मतलब लिंग बड़ा हो गया, मोटा हो गया और अभी छोटा नहीं हो रहा है, वो ब्लड वापस नहीं जा रहा है, अब इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है डेफिनेटली। फिर पायरोनिस डिजीज जिसमें लिंग टेढ़ा हो जाता है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी वैक्यूम जो पंप है तो वैक्यूम पंप या पेनाइल पंप का इस्तेमाल हम किसी को देकर भी कर सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। यूजली 30 मिनट तक ये रखना है और आप हवा उसमें से खींचते बाहर, और हवा बाहर खींचने से वैक्यूम तैयार हो जाता है, वहाँ से फिर लिंग जो है वो फूल जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या है वो देखना जरूरी है। एक तो है कि नमनेस आता है, नम हो जाता है पेनिस बाद में, और नमनेस मतलब कोई सेंसेशन नहीं होना। फिर दर्द हो सकता है। तीसरा एलर्जी होती है कुछ लोगों को। फिर ऐसा लगता है कि सीमेन अटक गया, ऐसा एक फीलिंग आ जाता है। कुछ लोगों को संकोच लगता है कि भाई सेक्स करना उसके पहले पंप का वापर करना पड़ेगा, संकोच लगता है, अच्छा लगता नहीं है। और वैक्यूम पंप वापरते हैं तो तुरंत तैयार नहीं हो सकते, मतलब आप तैयार होने को टाइम लगता है आपको, तो फिर वो एम्बेरसिंग हो सकता है कि तैयार होने को आपको टाइम लग रहा है। वैक्यूम पंप के साथ में
आप पेनाइल रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिंग बॉटम ऑफ द पेनिस पे चिपक जाती है टाइट, तो वो ब्लड को वापस नहीं लेकर जाने देती। तो रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप्स जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सेक्स में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो ये है पेनाइल पंप, सस्ता मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप अपने घर पे ला सकते हैं, बार बार वापर सकते हैं, और कुछ रहा तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। जो आपका चला जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।